बॉस को जब भी देखा है आसमान से उतरते देखा है। आसमान से गिरने वाले कभी बचते नहीं बेटे, इसीलिए हमेशा जमीन पर रहता हूं मैं। हेलो सर। हेलो मिस्टर हमायूं। एक दौर था जब मुमलकते बर्तानिया का सूरज गुरूब नहीं होता था, और एक दौर हमारा है कि हमारी जुर्म की दुनिया का सूरज गुरूब नहीं होता। लेकिन अब लगता है कि इस सूरज को आहिस्ता आहिस्ता ग्रहण लग रहा है। जानता हूं, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि जुर्म रुई का पहाड़ होता है जिसे कानून की तरह सी चिंगारी चलाकर राख कर देती है। मुझे उन कस्टम ऑफिसों की लाशों का अंबार नजर नहीं आ रहा जिनको हर कीमत पर हमारा माल चेक करने के ऑर्डर मिल चुके हैं। दरअसल ऑर्डर आज ही हुए हैं। अगर आज अमल भी हो गया तो हम बेनकाब हो जाएंगे। अगर हम बेनकाब हो गए तो आसमान जमीन पर गिर जाएगा। तुम अच्छी तरह जानते हो हमायूं कि हम अक्सर कहा करते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। अब आप पूछेंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूं। इसलिए कि ये गीदड़ बनकर शेर का शिकार करने वाला जमाना है और हम कुछ नहीं सुनना चाहते। नेपाल जाने से पहले उन ऑफिसरों की लाश देखना चाहते हैं जो ना बिकते हैं, ना झुकते हैं और ना टूटते हैं। कत्लो गारत का ये सवाब कौन हासिल करेगा डैड? हमारी कमान का एक ही तीर, हमारी बंदूक का एक ही कारतूस, शाहबाज, जो खुद भी कोयले की तरह जलता है और दुश्मन को भी जलाकर राख कर देता है। ये पेटियां खोलो। सर ये पेटियां गुज़श्ता 9 साल से आ रही हैं, आज तक नहीं खुली। आपको किस बात का शक है? शक नहीं, यकीन है। ये पेटियां खोलो। टीचर हूं,
और इन बच्चों को राशिद मिन्हास और मेजर अजीज भट्टी शहीद बनने की तरगीब और तरबियत देता हूं। लेकिन आज इन बच्चों के सामने दिन दहाड़े एक खूनी ने एक इंसान को कत्ल कर दिया। मकतूल के चेहरे का पसीना और रुखड़ा हुआ सांस बता रहा था कि वो बहुत दूर से मदद के लिए पुकारता हुआ भागता हुआ स्कूल में दाखिल हुआ। योर ऑनर, रास्ते में नाम नेहाज शराफा का हुजूम भी था, थाने भी थे, डाके भी थे, मगर किसी ने कातिल का हाथ न रोका। और अगर यही आलम रहा योर ऑनर, तो मैं इन बच्चों को क्या तालीम दूंगा, इन्हें सराते मुस्तकीम पर कैसे चलाऊंगा? इनके नजदीक तो कानून कलाशनकोफ का दूसरा नाम होगा। और अगर ऐसा हो गया तो आज एक मुअल्लिम के सामने कत्ल हुआ है योर ऑनर, तो कल एक मुंसिफ के सामने हो सकता है। या तो ऑर्डर कर दी योर ऑनर कि स्कूलों में बच्चों को तारीख इस्लाम पढ़ाना बंद कर दिया जाए, या ऐसा तारीखी फैसला सादर फरमा दे योर ऑनर कि हर बच्चा हर रात अपनी कौम की तारीख पढ़कर सोने का आदी हो जाए। मकतूल के रास्ते में जितने भी थाने आए हैं उन तमाम थानों का अमला 24 घंटे के अंदर अंदर अधिकारियों समेत अदालत में पेश किया जाए या कातिल का अदालत के सामने हो। पानी सर से गुजर चुका है शाहबाज। वैसे बॉस ने तुम्हारी जगह पेश होने के लिए एक आदमी तैयार कर लिया है, लेकिन थाने में शिनाख्त ये स्कूल मास्टर करेगा। यादाश्त छीन लूंगा हरामजादे की। अपने मकाम से मत गिरना डैडी, ना इसने जिंदगी दी है ना ये ले सकता है। इतनी देर तो तुम कभी नहीं लगाते शाहबाज, तुम्हारा रिकॉर्ड है। जो गोली भरते हो वो चलती है और लाश भी गिरती है। गोली भी चलेगी और लाश भी गिरेगी। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। एक मामूली लड़की ने तुम्हारे उसूल बदल दिए। भाई वो लड़की हमारा रास्ता भी बदल सकती है। हमने पहाड़ों को हिलते जरूर देखा है, मगर इस तरह गिरते हुए कभी नहीं देखा। और हमने भी अपने पैरों में इतना बड़ा भूचाल पहले कभी नहीं देखा। जानते हो उसके बाप को जिंदा छोड़ने का मतलब हमारी मौत है। मौत। वो लड़की हमारी और तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है सेठ, समझे? उसे हर सूरत सजाए मौत होगी। मेरी शिनाख्त पर जस्टिस चौधरी उसे कैसे छोड़े? तुम शिनाख्त करोगे लेकिन शाबाश की नहीं, उसके साथ खड़े हुए उस लड़के की जिसके गले में लाल रुमाल होगा। और अगर तुमने सच बोला तो उसकी इत्तला हमें मोबाइल पर हो जाएगी।
और इसकी इज्जत तार तार हो जाएगी। अब जाओ डिप्टी तुम्हारा थाने में और हम तुम्हारा यहां इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने शिनाख्त परेड के लिए शहर के तमाम हिस्ट्री शीटर आपके सामने खड़े कर दिए। अब आप पहचानिए मास्टर साहब कि इनमें खूनी कौन है। तुम शिनाख्त करोगे लेकिन शाबाश की नहीं, उसके साथ खड़े हुए उस लड़के की जिसके गले में लाल रुमाल होगा। और अगर तुमने सच बोला तो उसकी तलाह में मोबाइल पर हो जाएगी और इसकी इज्जत तार तार हो जाएगी। आप क्या सोच रहे हैं मास्टर साहब? सोच रहा हूं डिप्टी कि तराजू के एक पलड़े में इज्जत और दूसरे पलड़े में कानून आ गया है। सारी जिंदगी इल्म के जुगनू चमकाने वाला मास्टर झूठ बोले तो कानून की हार होती है और सच बोले तो इज्जत तार तार होती है। मगर नहीं, तुम इसे कोई कुदरत का करछवा समझना या मौसा, मगर याद रखना कि आज मैंने अपनी एक बाहया बेटी को तुम्हारे बेइज्जत कानून पे कुर्बान कर दिया। यही है वो खूनी कातिल दरिंदा जिसने एक हफ्ते बरसते घर में कोहराम मचाया। अरेस्ट हिम। ओके, शरीफ ने आखिर अपनी शराफत को दांव पर लगा ही दिया। इसे बताओ हार तार चाड़ियों में उलझ के पांच दामनों के दामन कैसे तार तार होते हैं। तुमने हम पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया शाबाश। ये दुनिया की वाहिद दहलीज है जिससे हम दुनिया का हर दुख दूर देखना चाहते हैं। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम इसको। शाहबाज ने जानी को कत्ल कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो? अपने घर के सतून गिराने वाला छत के नीचे दबकर हलाक हो जाता है। हमारे हाथों गिरने वालों को उठाने की गलती करोगे कच्ची दीवार की तरह गिरा देंगे हम। असला बुजदिलों के लिए बोझ होता है। अपने बेटों से कहो सेठ कि बंदूकों की नालियां नीचे कर लें वरना इनकी आने वाली नस्लें मिटा देंगे हम। को रास्ता नहीं बताया करते। जाओ जाकर दारू पियो। एक इंसान को हमेशा की नींद सुलाने के बाद तुझसे अपने अंदर के हैवान को सुलाता हूं मैं, इसलिए कि अपनी बहन के सामने उस हैवान को लेकर नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता।
शहबाज, एक वडेरे की बच्ची जवान होकर तो वाइफ बन गई है और आज उसकी नीलामी है। काम बोलो। और वडेरा अपनी बेटी वापस मांगता है। वडेरे से कहो कैश तैयार रखे, हम पहुंच रहे हैं। जो शबाना को लेने आए हैं उन्हें मस्जिद का रास्ता दिखा दो, इसलिए कि शबाना को हम लेके जाएंगे। देवा, तुमने हमें बताया ही नहीं कि शबाना का कोई गैरतमंद भाई भी है। शबाना कहाँ है? हमने पूछा शबाना कहाँ है? शबाना कहाँ है? कर इसे भूल जाना कि हर पौधा फल नहीं देता। हम इतने कड़वे फल खा भी नहीं सकते। चखो तो सही, शहद से मीठी ना लगूं तो थूक देना। हम जायका नहीं चखते, जर्फ देखते हैं। इसलिए तो बहाने से बुलवाया है तुम्हें। पत्थर को हमारी अदाएं पिघला कर रख देंगी, वफाएं तुम्हें हमारे पांव में ले आएंगी और हमारे इश्क की इंतहा देखोगे तो अपना भी लोगे। तुझे प्यार करूं मजबूर।
तुम्हारा मल्ला हूं, अंजल नहीं। लेकिन हमने अपनी कश्ती का चप्पू इस मल्लाह के हाथ में देने का फैसला कर लिया है। अगर हम अपनी कश्तियां चला चुके हैं, लेकिन हमें हर कीमत पर तुम्हारा प्यार चाहिए। एक इंसान के दिल में जितना प्यार होता है, वो सारा का सारा हम अपनी बहन को दे चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ ताकत है, प्यार नहीं। मिस्टर शबाज, आप जब भी हमारी दुकान पे आते हैं, हमारी दुकान खिलौनों से खाली हो जाती है। लगता है आपकी बहन को खिलौनों से और आपको अपनी बहन से बहुत मोहब्बत। काश शहबाज की परवाज आसमान तक होती तो मैं चांद सितारे बहन के कदमों में सजा देता इन खिलौनों की तरह। इसके बस में हो तो सीने से दिल को निकाल कर बहन के हाथों का खिलौना बना दे। भाईजान, इन खिलौनों से अब मुझे खौफ आने लगा है। इनके शोर में मुझे माँ की खामोश चीखें सुनाई देती हैं। मैं हर रोज तेरे लिए नए नए खिलौने इसलिए लेकर आता हूं कि माँ की रूह जरूर देखने आती होगी कि बाप ने तो बेटी के हाथ से खिलौना छीन लिया था। भाई बहन के लिए खिलौने लाता है या नहीं? मैं जानती हूँ भैया, माँ कभी नहीं आएगी, लेकिन भाभी माँ तो आ सकती है। माँ की तस्वीर से बातें कर करके थक गई हूँ भैया, आंसुओं से सवाल करती हूँ, आंसुओं से जवाब मिलता है। इन रोती आंखों को हंसाने वाली भाभी ला दो ना भैया, भाभी ला दो। पगली, रोए न कर, तेरे आंसू जमीन पर गिर गए ना तो कब्र में मां का कफन भी भीग जाएगा। मैं वादा करता हूं तुझे भाभी ला दूंगा भैया। क्या चीज है, यही तो है वो जिसकी तलाश थी। मार दिया साली ने। और जो चीज हमें पसंद आ जाए पाखुदा पूरे जहां को मार कर हासिल कर लेते हैं हम। तुम्हारी ये मजाल कि तुम यहां भी पहुंच गए, समझा क्या है अपने आप को? दफा हो जाओ यहां से। आपका हुक्म सर आंखों पर। अच्छा किया जो बीच में आ गई, वरना आज हमारे हाथों कत्ल हो जाता। आपकी तारीफ। हम वो हैं जिसे आप गिरते देख नहीं सकी। हमारा नाम बॉबी है, बॉबी। आपका कोई भी नाम हो आप जा सकते हैं। उससे इतनी नफरत? उससे नफरत का मतलब ये तो नहीं आपसे इश्क हो गया है। मुबारक हो,
भैया ने भाभी लाने का वादा कर लिया है और मेरा भाई जो वादा करता है पूरा करता है। माँ जानती है कि मैंने आंखें बंद करके भाभी की तस्वीर भी देख ली है। वो इतनी खूबसूरत है कि परियां भी उससे शर्माएंगी। और पाकीजा इतनी कि जन्नत की हूरे भी उस पर सदके जाएंगी। गुनाहों के दोजख में रहने वाली को हमारी जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देने का हक किसने दिया है? चले जाओ यहां से। शबाना ने जितने कदम तुम्हारे घर में रखे हैं, चाहते हुए उन कदमों के निशान अपने आंसू से मिटा दिए। तो फिर एक बात मेरी भी सुनती जाना। मेरी बहन की ख्वाहिश, उसके सपनों की शहजादी, उसकी होने वाली भाभी कोई शरीफ जादी तो हो सकती है, कोई तवायफ जादी नहीं। तो फिर एक बात हमारी भी याद रखना, हमारी आगोश में हमेशा शरीफ जादियों के ठुकराए हुए हीरे ही पत्थरों की तरह लुढ़कते हुए गिरते हैं। ये तस्वीरें इस मुल्क की मशहूर मॉडल मिस काजल के हुस्न का वो शाहकार है जिन्हें देखकर आपके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाएंगी। मिस काजल। जुल्फें जिनसे बादल काजल चुराएं, आंखें जिनमें सात समंदर डूब जाएं, जिसे ख्वाबों में देखा ख्यालों ने तराशा, आज हमारी आंखों का वही सपना ताबीर बनकर हमारी नजरों के सामने आ गया। मिस्टर दिल जले, तारीफ का शुक्रिया, लेकिन हमें आप जैसे एक मेहरबान ने मशवरा दिया था, न मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। हम आपको बिखरने नहीं देंगे, हमेशा के लिए अपनी बाहों में समेट लेंगे।
फूल सा बदन ढोले मेरा अंग अंग बोले मैं तो हूँ दीवानी तेरे नाम की। जब से ये आँख लड़ी मुश्किल में जान पड़ी रही ना सजन किसी काम की। साहब जी शो तो कब का खत्म हो गया है? इससे नजर हटाकर अपने घर की छत देखो। इसके बड़े बड़े सतूनों के साथ लगी हुई अपने आबाओ अजदाद की तस्वीरें देखो। इनका माजी तुम्हें बताएगा कि वो भी कितनी बुलंदी से कितनी पस्ती में गिरने लगे हो तुम। ये हमें ना मिली तो हम अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे डैड। हमने आपसे जो मांगा हमें मिला, अगर हमें ये ना मिली तो हम भी आपको नहीं मिलेंगे डैड। और आप हमें शुरू से जानते हैं कि हम अपने फैसले बदला नहीं करते। कहां रहती है? हम सिर्फ खिलौने पसंद करते हैं, उन्हें ढूंढना और खरीद कर लाना आपका काम है। थैंक यू। नहीं, क्या हुआ मेरी बहन को राशिद? क्या हुआ मेरी बहन को? कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी होश में आ जाएगी। इसे होश में लेके आओ वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। प्लीज शहबाज प्लीज। भैया कहां जाते हो और क्यों जाते हो? मैं जहां भी जाऊं मुन्नी
तू हर वक्त मेरे दिल में रहती। मगर मैं हर वक्त तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ भैया। तुम इसे छोड़कर क्यों जाते हो यार, और कहाँ जाते हो? दुनिया में हर सवाल का जवाब नहीं हुआ करता डॉक्टर, और इसकी बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ तू है। बहन तुमसे सिर्फ तुम्हें मांगती है, और तुम ये चंद खिलौने देकर समझते हो कि तुमने बहन का हक अदा कर दिया। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा ना तो किसी दिन ये मर जाएगी। डॉक्टर, रिलैक्स रिलैक्स शहबाज, आओ मेरे साथ। एक डॉक्टर होने की हैसियत से मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम्हारी बहन की जिंदगी में ऐसा कौन सा नाखुशगवार वाकया रोनमा हुआ है जिसकी याद उसे बेहोश कर देती है। उसे बयान करते हुए वो जैसा पत्थर इंसान भी तरस उठता है डॉक्टर। बहन का इलाज करने की खातिर मेरे लिए इसकी तफसील जानना जरूरी है। उसकी इब्तदा एक तूफानी रात से हुई थी। एक घंटा हो गया, कहा मेरा कोट निकाल दो, मैंने लिपाल पोंछना है। मुझे पता है आप नेपाल नहीं उस हराफा के साथ अय्याशी करने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हो। वो मेरी मनकूहा बीवी है। वो बीवी नहीं, इसका वो समंदर है जिसमें आप गर्क हो चुके हैं। आपको तो ये भी याद नहीं कि आज आपने अपनी बेटी से वादा किया था कि उसे खिलौने दिलाएंगे। मैंने खिलौना ले लिया है, अब ले आए थे। ये खिलौना मेरे बॉबी के लिए है, छोड़ दो। नहीं दूंगी। उल्लू की पट्टी छोड़ दे, छोड़। अम्मी। आपको शर्म नहीं आती मासूम बच्ची पर हाथ उठाते हुए? इसे हमारे साथ जिद करने की जरूरत कैसे हुई? इधर मर, क्यों बोली मेरे सामने? खबरदार, जो अब तुमने किसी बच्चे पर हाथ उठाया तो मुझे तुम कहा तूने? हाँ मैंने तुम कहा, तुम। आओ यू शराब। Out from my house, अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या मायने रोक लिया? नहीं डार्लिंग, दरअसल मैंने बीवी को तलाक दे दी है। ये काम तो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था डार्लिंग। वो तलाक का सुनते ही गिरी और मर गई। अब ये दोनों बच्चे मुझे अपनी माँ का कातिल समझकर जिंदगी भर मुझसे नफरत करेंगे, या फिर किसी के साथ मिलकर मुझ पे तेल छिड़क कर आग लगा देंगे। मेरे होते हुए ऐसा कौन कर सकता है, कौन सोच सकता है? मैं फूलों की आस में कांटों पे चलने की आदी नहीं सही है शेर जान। अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो जिस तरह तुमने अपनी बीवी को मारा है, बच्चों को भी भूल जाओ। मेरे पास आओ तो सिर्फ मेरे होकर आओ। ठीक है, मैं अपनी जिंदगी से दोनों बच्चे निकाल दूंगा। Thank you.
बेटे, अब तुम घर में अकेले हो गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम आला तालीम हासिल करके एक बड़े आदमी बनो, इसलिए आज से तुम दोनों बहन भाई हॉस्टल में रहोगे। ओके, ठीक है, शाबाश। बेटा तुम दोनों यहां ठहरो, मैं अभी आता हूं। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब सैयद शेरजान साहब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए कैसे आना हुआ? मैनेजर साहब, मैं आपकी यतीम खाने में दो बच्चे दाखिल करवाने आया हूं। दरअसल ये बच्चे मेरे दारीना मुलाजिम के हैं जिसका इंतकाल हो चुका है। इनका सिवाय हमारे कोई ना था, लिहाजा हमने इन्हें पाला। इनकी नजर में मैं ही इनका बाप हूं। समझ गया। लेकिन क्योंकि अब मैंने शादी करनी है, ना इन्हें मेरी बीवी बर्दाश्त कर सकती है और ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। दरअसल इन बच्चों की वजह से मेरी मोहब्बत तकसीम हो जाएगी। दुरुस्त। लिहाजा ये हमें याद करेंगे, रोएंगे और शायद बगावत भी करें। इनको कंट्रोल करना, अपने पास रखना, यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, आप फिक्र ना करें। थैंक यू वेरी मच। हमारी तरफ से आपके अदारे के लिए हकीर सा नजराना है, कबूल कीजिएगा। अच्छा, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा बेटे, मैं चलता हूं। तुम्हारे खर्चे के पैसे मैंने दे दिए हैं, यहां तुम्हें हर चीज मिलेगी। ओके। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं, रात हुई तो माँ मर गई, दिन चढ़ा तो बाप मर गया। डैडी, डैडी, हमें छोड़कर मत जाओ। डैडी, मैं छोड़कर मत जाओ। डैडी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। डैडी। क्यों मेरी बहन की जिंदगी में तलखी और तन्हाइयों के सिवा कुछ नहीं रहा। शहबाज, तुम बहुत ही अच्छे भाई हो, लेकिन एक ख्याल, ये अब कोई नया सदमा नहीं सह सकेगी। क्योंकि तुम्हारी बहन के दिमाग में कैंसर है। सिर्फ 6 महीने जिंदगी बाकी है उसकी। आज के बाद उसकी हर ख्वाहिश को आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरी जरूर करना। कहाँ जा रहे हो? मैं तेरे लिए दवाइयां लेने जा रहा हूँ। मगर डॉक्टर भैया तो कह रहे थे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे उसके हिसाब से ठीक है, मेरे हिसाब से तुझे अभी बहुत सी दवाइयों की जरूरत है, और वो तमाम दवाएं
मेरे बाप की फैक्ट्री में बनती। भैया, मुझे अपने भैया के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तू बोल बुन्नी। एक ख्वाहिश है मेरी, पूरी करोगे? बोल, क्या ख्वाहिश है तेरी? एक बार दूल्हा बन जाओ। बोलो, पूरी करोगे? बुन्नी, तेरी खुशी की खातिर तो सूली चढ़ सकता हूं मैं, लेकिन ये शादी बहुत जल्दी होनी चाहिए भैया। क्यों? आपके बाद अब डर लगता है भैया, अकेली हूं ना, जल्दी से एक बाबी ला दो। ठीक है बुन्नी, ठीक है बुन्नी, ठीक है। आज ही उस नागन का सर कुचलकर हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से हटा दो, जिसने हमारे बेटे की रगों में अपने हुस्न का जहर भरकर उसकी जिंदगी के दरवाजे पर मौत की दस्तक दी है। तुम यहां भी पहुंच गए? ये शिकायत तो तुम्हें अगले जहान भी होगी। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। मैं आज नाकाम वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ काजल। मेरी बहन को कैंसर है। तो फिर मैं क्या करूँ? तुम्हें उसकी खातिर मेरी बीवी बनना पड़ेगा। क्या? हाँ, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, हाथ तक नहीं लगाऊंगा, और फिर जब उसकी आंखें बंद हो जाएंगी तो फिर मैं भी मर जाऊंगा, फिर जिससे चाहे शादी कर लेना तुम। ये सौदा तुम किसी भी लड़की के साथ कर सकते हो, लेकिन मैं सिवाय तुम्हारे किसी और के नाम के सिरे नहीं सजा सकता अपने सर पर। ये मेरी मजबूरी है। मैं तुम्हारी हर चाल को समझती हूँ। गेट आउट फ्रॉम हियर, वरना वरना मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। ए मिस्टर, इसे मार मार के बाहर फेंक दो। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग ना आते तो ये मेरी इज्जत लूट देता या मुझे कत्ल कर देता। पागल है, क्योंकि ये दोनों काम तो हम करने आए हैं। दो हमारे महबूब को, जिसकी जुबान से निकला के से मार मार कर बाहर फेंक दो, और हमने मार खा ली। नहीं, तुम कत्ल नहीं करोगे। Thank you.
दिल कहता है भैया कि आपको लड़की मिल गई है, बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं मुन्नी, ये सोचकर सबर कर जाओ कि ना हर बादल में पानी होता है ना हर फूल में खुशबू। तो क्या तुम शादी नहीं करोगे? जिसे करना चाहता हूं वो मुझे पसंद नहीं करती, और जो मुझे पसंद करती है उसे मैं पसंद नहीं करता। अब तुम ही फैसला करो कि इस मुर्दा वजूद में किसका नाम लिखूं। मुझे उस लड़की के पास ले चलो, मैं उसके कदमों में गिर जाऊंगी, उसे बता दूंगी मुझे कैंसर है। उसे बता दो के सिर्फ 6 महीने जिंदगी है हमारी, मैंने आज तक खुशी का कोई लम्हा नहीं देखा, मैं उसे जिंदगी की पहली और आखिरी भीख मांगूंगी। अरे नहीं मुन्नी, नहीं, नहीं, मैं मांगूंगा तेरे लिए ये भीख, मैं मांगूंगा उससे तेरे लिए ये भीख, मैं मांगूंगा तेरे लिए ये भीख। सब कुछ सुन लिया है मैंने, झूठ तो नहीं बोला था हमने, मगर मैं तुम्हारे इस दुनिया में नहीं रह सकती जिसमें हर तरफ इंसानों का खून हो। हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारी दुनिया में आ जाएंगे, लेकिन अगर तुमने हमें वापस उसी दुनिया में भेज दिया तो वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। हमें संभाल लो, खुशी से मर ही ना जाए हम। जब भी डगमगाने लगो, हमारी मोहब्बत की ये निशानी देखोगे तो संभल जाओगे।
जवानी बड़ी मस्त मस्त है, मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। हुस्न का शोला भड़क रहा है, जिस्म का सावर झलक रहा है, प्यार करने का यही वक्त वक्त है। मेरी जवानी हाय, मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। क्या कहा, तुम अब जीना चाहते हो? तुम्हारा ऑर्डर हमेशा एक बार सुना है, मेरी ख्वाहिश भी दूसरी बार मत पूछना। आज के बाद मेरा पीछा न करना सेठ, तुम्हारा शहबाज मर चुका है। सेठ, हमने अपनी जिंदगी के बाकी दिन अपनी बहन के नाम लगा दिए हैं, और वो हमारे उन दिनों को किसी और के नाम लगाने के लिए हमारे साथ शगुन की रस्म अदा करने जा रही है, याद रखना। कौन हो तुम और मेरे घर की दहलीज पर बगैर इजाजत आने की जुर्रत? तुम शायद ये नहीं जानती कि खुदा ने ये रुतबा सिर्फ और सिर्फ मौत को ही बख्शा है कि वो जब चाहे दुनिया के किसी भी दरवाजे में बगैर इजाजत दाखिल हो सकती है। तुम्हारी मोहब्बत की ताकत ने आसमान पर प्रवास करने वाला हमारा शहबाज हमसे छीन लिया, वो शहबाज जिसे हमने जुर्म की दुनिया का जलता हुआ कोयला बनाया, वो आज हमारे हाथ ही जला देगा तुम्हारी वजह से। शहबाज की जिंदगी का रास्ता हमारे इश्क की ताकत ने नहीं, बहन के साथ उसकी लाजवाल मोहब्बत ने बदला है। और शायद ही आज खबर तुम मुझसे सुनोगे कि शहबाज की बहन की जिंदगी वो टूटा हुआ तारा है जिसे आसमान ने फेंक दिया है और जमीन उसका इंतजार कर रही है। और अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि आज के बाद अगर तुमने शहबाज की जिंदगी की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारा बाप और शहबाज की वो लाडली बहन मरने से पहले सिवा भी हो सकती है। शहबाज, काजल, कल हम अपनी जान से प्यारी जान अपनी बहन को लेकर तुम्हारे शगुन लेकर आ रहे हैं, अपने प्यार की दी हुई इस निशानी की लाश रखना जिसने हमारी बहन की सांसें बढ़ा दी। शहबाज, 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 कौन आ रहा है बेटी? आपको बताया तो आप पत्थर हो जाएंगे। क्या कोई शैतान आ रहा है? बिल्कुल ठीक समझे आप, आपको वो कातिल याद है? उस बच्चलन का नाम मत लो। मैं उसी से शादी कर रही हूं डैडी। मैं जानती हूं कि शरीफ बाप पर क्या गुजर सकती है, लेकिन मैंने शादी का फैसला बड़ी सोच विचार के बाद किया है डैडी। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। तुम्हारी शादी हमारे बेटे से होगी, हम तुम्हें साफ साफ बता दें, ना ये शादी तुम्हारे बाप को अच्छी लगेगी, ना शायद तुम्हें पसंद हो, और ना ही हम चाहते हैं। तो फिर इतनी नापसंदीदा लड़की का रिश्ता क्या सोचकर मांगने आ गए? नहीं 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 नहीं, ये हमारी नहीं, हमारे इकलौते बेटे की जिद है। तुम्हारे बेटे की जिद देखूं या अपनी जिंदगी? उसकी जिंदगी को खत्म करने का हमने सोचा था,
मगर शायद शहबाज ने तुम्हें बचा लिया। अगर तुमने इनकार किया तो शहबाज बवा उसकी बहन के तुम्हारे घर के सामने जिबा कर दिया जाएगा। अगर अपने प्यार की जिंदगी और उसके घर वालों की खैर चाहती हो तो मेरे बेटे के आने पर अपना हाथ बढ़ा देना। डैड, 25 लाख की अंगूठी लाया हूं। मंगनी हो गई तो हर एक की इज्जत और जिंदगी के जामिन हम होंगे। भैया, ऐसी भाभी के होते हुए हमारे घर में किसी को मौत नहीं आ सकती। नहीं मारना, नहीं, मैं खिलौने नहीं मांगती, नहीं मांगूंगी। चले जाओ अपनी प्यारी को लेकर। आज मेरी भाभी के साथ मंगनी है। भाभी हमारा इकलौता बेटा है और हमें दुनिया शेर जान के नाम से जानती है। तुम्हें कहा था ना, जो चीज हमें पसंद आ जाए सारे जहां को मारकर हासिल कर लेते हैं हम। किसी ने घर जला दिया। और तुमने हमें कोयला कर दिया। और तुम दोनों ये नहीं जानते कि कोयला आग पकड़ ले तो पूरी कायनात जला सकता है। पूरी कायनात। डॉक्टर, अगर मेरी बहन की बांध आंखें ना खुली तो एक बात याद रखना डॉक्टर, और एक एक डॉक्टर को बता देना कि मेरी बहन के साथ साथ लाशों के अंबार निकलेंगे यहां से। रिलैक्स रिलैक्स, चलो। इसने बेहोश होने से पहले क्या देखा? अपनी होने वाली भाभी के हाथों में अरे दुश्मन की अंगूठी देखी, उस भेड़िए बाप को देखा जिसकी दास्तान में मैं तुम्हें सुना चुका हूं। दो बातें याद रखना, पहली ये कि मैं इसे 24 घंटे से ज्यादा बेहोश नहीं रख सकता, और दूसरी ये कि होश में आने के बाद तुम्हारे साथ ये अपनी भाभी को नहीं देखेगी तो मर जाएगी। जाओ, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। इतना याद रखना डॉक्टर कि मैं अपनी मुन्नी की मौत बर्दाश्त नहीं करूंगा। जुर्म पानी का बहाव है बरखुरदार, और पानी को
वापसी का रास्ता नहीं मिला करता। तुम्हारे सामने आने वाला हर बंद तोड़ देंगे, लेकिन शर्त वही है, हमारे इशारों पर चलते रहो। क्या सोच रहे हो? जिसने सोचने पे मजबूर किया है उससे अपने सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। तेरे पास कौन कहता है कि सिर्फ हम कत्ल करते हैं? हमने कत्ल करने का कारोबार छोड़ा तो तुमने शुरू कर दिया। चले जाओ यहां से। कहां चला जाऊं? हमारे लिए अब ना वो दुनिया ना ये दुनिया, हमारे इश्क की ना सही, हमारे एहसान की कीमत चुका देती है। एहसान बराबर, हमने तुम्हारी जान बचाई, हमने तुम्हारी जान बचाई, और उसके बदले में, उसके बदले में तुमने हमारी बहन को मौत के मुंह में धकेल दिया। अपने लिए ये दरवाजा खुला देखकर हमने जुर्म का हर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन आज तुमने किसी और के लिए हम पर ये दरवाजा भी बंद कर दिया। इतनी घुटन में कैसे जिएंगे हम? बोलो। I say get out। झूठ बोलती हो तुम? झूठ बोलती हो? तुम्हारे आंसू, तुम्हारी आंखें आज भी मुझे चाहते। तुमने मुझे अपनाया, वो सच था। तुमने मुझे ठुकरा दिया, ये झूठ है। और झूठ की उम्र लंबी नहीं हुआ करती, लंबी नहीं हुआ करती। सिंगापुर के कीमती डेकोरेशन पीस टूट गए। कितने तोड़े हैं? इन सब को गिराने के बाद तुझे गिरता देखना चाहता हूं। जिस घर की हर शय टूट चुकी हो उस घर के लिए यह मंजर कोई नया मंजर नहीं है। अलबत्ता एक नया मंजर आज तुझे दिखाकर जाऊंगा मैं। मुझे वो मंजर आज तक नहीं भूला। आज ये चलेगी तेरे सामने और मैं इसे देख देख कर ये जमीन बार बार तेरी लाश उगलेगी और मैं बार बार उसकी बोटियां करूंगा। छोड़ इसे, मैं इसकी आंखों के सामने इसका घर जला दूंगा। नहीं बेटा, नहीं,
हमारे खानदान में कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाता। इसको कुछ मंत्र अब मैं दिखाऊंगा। मैं ले जाके ये वही खूनी है जिसने कस्टम ऑफिसरों का कत्ल किया था। मुलजिम एक जमानत नामे दो, ये कानून की तारीख में पहली बार हुआ है। हथकड़ी खोल दो। शिकार एक और शिकारी दो, जुर्म के जंगल में ये तमाशा भी शहबाज ने पहली बार देखा है। ताज हमारा हो, ताज कोई करे, ये कैसे हो सकता है हमायूं? इंतकाम की धुंध में तुम खून के रिश्तों को पहचान नहीं सके। शहबाज हमारा बेटा है, हमारा बेटा। जनाब सैयद शेर जान साहब, शायद आप भूल गए हैं कि दुश्मनी की जंग में दुश्मन के हथियार से वार करने का जो नशा आता है वो दुश्मनदार ही जानता है। याद रखना, हथियार उसी का होता है जिसके हाथ में हो। तूने शेर जान के हीरे को जुर्म की कान का कोयला बना दिया है। आज मेरा बेटा मेरा बाजू बनकर उसी कोयला की कालख से दुश्मन का मुंह काला कर देगा। शहबाज सिर्फ इतना जानता है कि हीरा चाटने वाला हो या देखता हुआ कोयला, इन दोनों को छूने वाले का अंजाम बहुत भयानक होता है। एक्सीलेंट बाबा, एक्सीलेंट। शेरजान, हमने तेरे रिश्तों की कश्ती में गलतफहमी का ऐसा सुराख कर दिया है जो तुझे दुश्मनी के दरिया में गर्क कर देगा। तुम अच्छी तरह जानते हो हुमायूं कि कश्ती के डूबने का दुख दरिया को नहीं मल्लाह को होता है। तो फिर एक बात हमारी भी याद रखना, हमारी आगोश में हमेशा शरीफजादियों के ठुकराए हुए हीरे ही पत्थरों की तरह लुढ़कते हुए गिरते हैं। हमें तवायफ किसने कहा? हमने। क्यों? इस कदर झूठ सुन कर आए हैं हम कि आज सच बोलने पर मजबूर हो गए। यहां कोई किसी का नहीं है तवायफ, यहां सिर्फ जरूरतों के तबादले होते हैं, यहां कोई रिश्तेदारी नहीं है, यहां सिर्फ सिर्फ दुकानदारी है। यहां हमारे जैसे एक चिन्ह रखने वाले लोग, एक चिन्ह रखने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। इसलिए हम आज मिलकर एक चिन्ह रखने की सजा भुगते हैं। ना जाओ। गई तन मन
थी अधूरी तेरे मिलन से पूरी कहानी हो गई। देखा तुझे चढ़ी प्यार के मासी मैं तो दीवानी हो गई। कुत्ता हड्डी खाता है मगर मालिक की हड्डी नहीं खाता। हम तुम्हारी महबूबा ना सही, मालिक भी ना सही, मंजिल भी ना सही, लेकिन हम तुम्हारी पूजा करते हैं शबाज। प्यार का रिश्ता इस कायनात का सबसे पुराना और पक्का रिश्ता है शबाज। तुम गिरे हुए तो ना थे, लेकिन गिरे हो तो कच्ची दीवार की तरह गिर पड़े हो। मुझे धक्का इतने जोर का पड़ा है कि मुंह के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो शबाना, इसलिए कि हमारी वैश्यत ने गरीबा तुम्हारा नहीं काजल का पकड़ा था। लेकिन क्यों? इसलिए कि उसने हमारी हमारी बहन को मौत के मुंह में धकेल दिया। उसे उसे होश आने में सिर्फ सिर्फ चंद घंटे बाकी। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर उसके सामने मेरे साथ मेरी दुल्हन नजर ना आई तो वो मर जाएगी। इसे हमारी आखिरी मुलाकात समझकर उसे माफ कर देना, माफ कर देना। इतने मजबूत जाल में फंसकर कैसे जिएगा तू? अच्छा वो तुम आ गए, मगर दुल्हन कहां है? खुदा के लिए इसे बेहोश रहने दो डॉक्टर।
इसलिए कि मैं खाली हाथ लौटा हूं। जो कुछ ये मांग रही है वो मेरे बस में नहीं है। अब जो कुछ भी है सिर्फ खुदा के हाथ में। भैया भाभी कुछ ख्वाबों की ताबीर नहीं होती मुन्नी। क्या सोचकर तुमने मुझे इसके सामने नहीं आने दिया? क्यों लड्डू लेकर दावत देने गए थे अपने बाप को जिसने तुम्हारे किसी दुख का इलाज नहीं किया? मैं आ गई हूं मुन्नी। बोलो कब शादी चाहती हो? बोलो भाभी आप इतनी खूबसूरत होंगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। खुदा के लिए मुझे अपने घर ले चलो। अब मैं आपको कभी अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। चलो मुन्नी मुझे मुझे अकेला छोड़कर जा रही हूं। भैया अकेला क्यों छोड़ जाऊंगी? तुम सेहरे बांध कर आओ। मैं अपनी भाभी को खुद दुल्हन बनाने जा रही हूं। चलो शबाना मुझे अपनी औकात और तुम्हारी बहन की इज्जत का पूरा एहसास है। घर कितनी दूर है भाभी? हाँ अब बस आने वाला है। आपके घर में कौन कौन है भाभी? हाँ, भाई है, बहन है, मेरे मालिक। मैं इसे किस घर ले जाऊं? जब इसे पता चलेगा कि मैं एक तवायफ हूं तो इस पर क्या बीतेगी? भाभी घर कब आएगा? घर आ गया। आओ भाभी चले। हाँ घर आ गया। तुम इधर ठहरो, मैं पहले अंदर सबको बता दूं कि कौन आया है। हाँ मुझे नहीं जानते और मैं भी आपको नहीं जानती, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। हाँ हाँ फौरन बताओ, हम उसे हल करेंगे। मेरे साथ एक गैरतमंद भाई की बहन है जो मुझे अपनी भाभी समझती है और मेरा घर देखना चाहती है, मगर मैं उसे अपने घर नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं एक तवायफ हूं। खुदा के लिए एक दिन के लिए मेरी इज्जत रख ले। अरे अरे तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारा प्रॉब्लम हल करेंगे, हम तुम्हारा भरम रखेंगे। चल उसे अंदर ले आओ। आप उसे भाभी बनकर खुद अंदर ले आए? हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। आपकी नन तो बहुत खूबसूरत और स्मार्ट है। इसे जल्दी से अंदर ले जाओ, किसी की नजर न लग जाए। आप लोग इसे अंदर ले जाएं, मैं चेक कैश करवा कर अभी आती हूँ। ठीक है चलो। हड्डी टूट जाती तो? जो दिल का टूटना बर्दाश्त कर सकता है उसे हड्डी के टूट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा के लिए कभी मुझे गलत ना समझना भाभी, मैं सर से पांव तक तुम्हारी हूं। कल भी आज भी और मरने के बाद भी।
सिर्फ तुम्हें यह समझाना चाहता हूं शबाना कि जिस सूरज पर कमान डालने के सपने तुम देख रही हो उसकी तपिश तुम्हारी जिंदगी तो जला सकती है लेकिन उसकी किरणें तुम्हारे प्यार की सेज को रोशनी नहीं दे सकती। हम भी तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं शबाज कि मुन्नी की जिंदगी के लिए उसके सामने हमसे शादी का इकरार कर लो। हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हारी दुल्हन बनकर भी जिंदगी भर तुम्हारा प्यार ना अपना हक समझकर मांगेंगे और ना भीख समझकर। शबाना शबाना सच कह रही है शबाज हमें सिर्फ मुनि की जिंदगी चाहिए। सही मोहब्बत तो उसमें जलने के लिए एक उम्र पड़ी है। हम ले आते हैं मुनि को इकरार कर लेना अपनी झूठी मोहब्बत का। माशूक किधर है? उधर देखो। बिल्कुल अनटचे। लेकिन लेकिन क्या? एक कोठी, एक गाड़ी और 25 लाख कैश चाहिए क्योंकि हम इसे आपको हमेशा के लिए दे रहे हैं। डन। गुड। जब तुम हमारे मुतालबे पूरे कर दोगे लड़की को हम तुम्हारी कोठी पहुंचा देंगे। हमारे साथ चलकर तीनों चीजें वसूल कर लो। इतने अफसोस की बात है कि एक तवायफ किसी की इज्जत बचाने के लिए पूरा शहर घूमती रही और एक शरीफ ने उसे अपने घर में बेच डाला। वाह, तुम्हें तो इससे भी ज्यादा पैसा दिया जा सकता है। कुत्ते के बच्चों, तुम्हें पता होना चाहिए कि पैसे से सिर्फ शराब ही नहीं असलाह भी खरीदा जा सकता है। हमारा गंदा ही सही लेकिन रंग वही है जो हर इंसान के खून का होता है। इसे तुम्हारे हाथ में देखकर तुम्हारा भाई इतना जरूर मान जाएगा कि तुम्हारी इज्जत आखिरी दम तक महफूज थी। भैया वो नहीं, तुम आ गई। भाभी मुझे अपने खून का रंग दिखाने ले गई थी। ये देखो भैया, हर कतरे में गैरत नजर आती है। कौन थे वो बगैरत? मार दिया उन सबको। तुम बताओ भैया, अब कब देखूंगी मैं अपनी इस भाभी को दुल्हन के रूप में? शबाना सच कह रही है शबाज, हमें सिर्फ मुनि की जिंदगी चाहिए। सही मोहब्बत तो उसमें जलने के लिए एक उम्र पड़ी है। क्या सोच रहे हो भैया, सुन लो, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है। उन्हीं, अब हम तेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे, जरूर पूरी करेंगे। कोई आग ऐसी भी होती है जिसे समंदर का पानी भी नहीं बुझा सकता। हवाओं के पीछे भागने की आदत कब छोड़ोगी तुम?
मुझे तूफानों से खेलने का शौक है। गर्क हो जाओगी। आज फैसला करके आए हैं, जीना भी आशिकी में, मरना भी आशिकी में।
तुम नहीं जानते बेटे कि शेर की बहादुरी लूमर की चालाकी के सामने बेबस होती है। तो फिर हुक्म कीजिए डैड, ताकत के आसमान पे प्रवास करने वाले शबाज के पर कैसे काटने हैं? शबाज और बॉबी की मोहब्बत की आग भड़काने के लिए मैं ऐसी चाल चलूंगा कि शबाज की गैरत नफरत की आग बनकर बॉबी को जला देगी और बॉबी की मोहब्बत दुश्मनी का आतिश फिशा बनकर शबाज को सफाए हस्ती से मिटा देगी। मगर ये दोनों आतिश फिशा कैसे ब्लास्ट होंगे डैड? तुम बॉबी की महबूबा काजल को उठाओगे तो इल्जाम शहबाज पर लगेगा, और तुम शहबाज की महबूबा को उठाओगे तो इल्जाम बॉबी पर लगेगा। तो आज शहबाज और बॉबी की मोहब्बत के जनाजे एक साथ उठेंगे। पूछ सकती हूँ बदमाशी के ये तीर किस बेगैरत कमान से निकले हैं? बिजलियां गिरने से पहले बादलों का पता नहीं बताया करती, लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं ये बास शबास के कहने पर इस खूबसूरत चिड़िया को उठाने आया है। कुत्तों, शराफत का सबक पढ़ाने वाला मास्टर आज तुम्हें गैरत का सबक सिखाएगा। मास्टर, जब मौत की घंटी बजती है तो जिंदगी का पीरियड खत्म हो जाता है। शबाना भाई, तूने रात के अंधेरे में आने वाले तमाशबीन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन शबाज का दुश्मन बॉबी दिन के उजाले में तेरा वजूद अपने बिस्तर पर देखना चाहता है। शबाना ने बाजार में हमेशा दलालों के हाथों मोतिये के हार देखे, इन्हें असला पकड़े जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। तो आज तुझे वो सब कुछ देखना होगा जो तूने आज तक नहीं देखा। उठा लो से। मेरे सारे खिलौने ले जाओ, लेकिन मैं अपनी भाभी को नहीं जाने दूंगी। ये मेरा बहुत महंगा खिलौना है। कुड़िया, तेरी उम्र मरने की तो नहीं, लेकिन आज तुझे मरना होगा, इसलिए कि आज इस खिलौने से बॉबी ने खेलना है। हमारी मोहब्बत के ताज महल को हाथ लगाने वाला रेजा रेजा हो जाएगा आज। जमीन की गर्दिश रुक सकती है, सूरज की आग राख बन सकती है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी के चांद को ग्रहण नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। ग्रहण तो लग चुका है बच्चे। नाम का शहबाज, औकात का गिद्ध, बोल काजल कहाँ है? शहबाज ने भी अपनी जिंदगी में तुझ जैसा बगैर दुश्मन आज तक नहीं देखा। जवाब दो, शबाना कहाँ है? झूठ की कलक से तू बॉबी के बेदाग दामन को दागदार नहीं कर सकता। जुल्म की दुनिया में रहकर तेरा वजूद दलता फिरता कोयला बन चुका है। हाँ, मैं कोयला हूं, 20,000 टन की आग में जलने वाला कोयला। भैया,
है तो भाई, मैंने इसे माफ कर दिया है, तुम भी इसे माफ कर दो भैया, तुम्हें मेरी कसम। उन्हें तुझ पर ये जुल्म के जालिमों ने किया? उन्हें जालिमों ने भैया, जो शबाना और काजल को उठा कर ले गए। खुदा को ही तुझे वापस बुलाने की जल्दी थी, तो मैं तुझे कैसे रोक सकता था, कैसे रोक सकता था मैं, कैसे रोक सकता था मैं, कैसे रोक सकता था मैं, कैसे रोक सकता था। सैयद शेर जान के बेटों की मौत की इतला सफर करती हुई आ ही रही होगी, उसके बाद सेठ हमायों जुर्म के इस जंगल का अकेला शेर होगा, अकेला। कान खोल कर सुन लो तुम सारे, हम शबाना और काजल को डैडी के कदमों में छोड़ आए हैं। लेकर यतीम खाने की दीवार तक सिर्फ 1200 की दास्तान है मेरी, सिर्फ 1200 की, इस दलील से लेकर उस दीवार तक एक ही दिन में तरुण रिश्ते मार दिए गए। हाँ, इस मैडम ने मार दी और बाप तुमने, आज जमाने ने मुझसे मेरी आखिरी खुशी भी छीन ली। जानता है ये कौन है? इसे गौर से देख, एक सांस में 100 बार अबू कह के तेरे सीने से लेपट जाने वाली, आखिर तब तक तेरी बेटी थी। इसे आखिरी सांस तक ये आस थी कि इसके अब्बू खिलौने लेके आएंगे, तुम नहीं आए, ये आ गई,
लेकिन तुमसे कराने वाली नहीं आई है ये, सिर्फ एक आंसू मांगने आई है, सिर्फ एक आंसू। आज तुम इसे बेटी मानो ना मानो, अगर इसकी लाश पर सिर्फ एक आंसू बहा देना, तवारसों की तरह मरने वाली का भरम रह जाएगा। बेटी को रोने से पहले अपने बेटे का मातम करना ना बोलना, वो इस वक्त से हमारियों के कब्जे में है और उसे जिंदा वापस लेने की एक ही शर्त है तेरे दुश्मन की, कि शाहबाज को खाली हाथ लेकर शाहबाज के अर्शे पर आ जाओ। खुदा के लिए सारी जायदाद अपने नाम लिखवा लो, लेकिन मेरे मेरे बेटे को बचा लो, अपने बाप के साथ जाकर मेरे बेटे को बचा लो, वो मेरा वाहिद खिलौना है। हमें खिलौने बचाने का ढंग आता, तुम्हारे अपने खिलौने क्यों टूटते? मानते हैं मानते हैं कि जिस कदर जुल्म हमने अपनी औलाद पर किए हैं किसी बाप ने नहीं किए होंगे, लेकिन इस तरह किसी बाप ने अपने बेटे से माफी भी नहीं मांगी होगी। मुझे माफ कर दो बेटा, नहीं तो तेरा बाप मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा बेटा। और इस तरह किसी बेटे ने बाप का भरम भी नहीं रखा होगा। बेटा अबू, बेटों की लाशें तैरती नजर आएंगी तुझे, उनके बदले तुम्हारी नस्ल के 200 बच्चे मारूंगा तो चैन आएगा मुझे। कोयले को इतनी आंच न दे सेठ कि कोयला जल उठे। शाबाश, इर्द गिर्द आग का इतना जखीरा है जो समंदर को राख कर सकता है, तुम क्या चीज हो जो हाथ उठा ले सेठ उस पर हाथ नहीं उठाया करते? एक बार फिर सोच लो। हजार बार भी सोचूं तो तुम्हारी एक ही सजा है कि तुम्हारे सर में 100 सुराख करने से पहले तुम्हारी खैरत का जनाजा निकाल दूं। उधर देखो, जब तक इस शहर के लोग इस कत्लेआम का सोग मनाते रहेंगे तब तक मैं इन्हें नचा नचा कर जश्न करता रहूंगा। जश्न और जनाजे का फैसला तुम नहीं, हम करेंगे।
तुम्हें अकेला छोड़कर ना जाना। मैं अकेला रह जाऊंगा बेटा, मैं अकेला रह जाऊंगा। कोयला बेटा, कोयला आखिर कब तक चलता डैडी? उसे एक ना एक दिन तो ठंडा। बेटा बेटा, मरते हुए तुम इतने करीब आ जाओगे तो हम कब के मर जाते हैं?